हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग देख रहे थे स्टीरियो आइसोमेरेज। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था स्टीरियो आइसोमेरेज होता क्या है, उसके इम्पोर्टेंस को देखा था, किस टाइप की स्टीरियो आइसोमेरेज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के दौरान। और उसके अलावा हम लोगों ने मेंशन किया था कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के लिए हम लोग एंटर कर गए थे। साथ में वहां पे हम लोगों ने मेंशन किया था डाईहेड्रल एंगल के बारे में, और मैंने मेंशन किया था कि अगर हम लोग को कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करना है तो जो है दो नए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो कि हम लोगों ने बोला था साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक उस पर आपको आइडिया लग गया होगा, उस पर प्रैक्टिस करो। साहर्स प्रोजेक्शन बना के किसी भी एक सिंगल बॉन्ड को लो, ड्रॉ करो, उसके अलावा साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करो और उसके साथ साथ में न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करो। ठीक है, तो हम लोग थ्रू जो है इस जब एग्जांपल करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस के, तो उसी के दौरान थोड़े से और प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग साहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में या न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कि किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट, तो फिर हम लोग नए सेगमेंट में बढ़ते हैं उसी कन्फर्मेशनल एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन कर देना स्टेबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट जो नोट्स में आप मेंशन कर रहे थे उसी में आप मेंशन कर देना स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या ऐसे आप लिख लो, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फैक्टर्स लिख लो आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर को अल्टर करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हम लोग देखेंगे। ध्यान से आप देखना कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे कंसीडर किए जाएंगे जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर से रिलेटेड होगा। ठीक है, सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जो बच्चों को विजुअलाइज नहीं हो पाता है, दैट इज टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन। अब ये क्या होता है, समझना इस बात को। टॉर्सनल स्ट्रेन तब जनरेट होता है जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को एडजेसेंट एटम का जो दूसरा बॉन्ड है एक दूसरे को एक्लिप्स करे। ठीक है, तो यहां पे इसको जो है टॉर्सनल स्ट्रेन भी बोला जाता है या एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं। एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, ये कौन सा स्ट्रेन होता है, तो ये लिखा जा सकता है, मैं मेंशन करा देता हूं। स्ट्रेन विच जनरेटेड या आप बोल सकते हो कि जो भी स्ट्रेन वर्ड आप क्लियर होगा कि क्या होता है स्ट्रेन, द स्ट्रेन विच जनरेटेड, ड्यू टू रिपल्सन, वर्ड में यूज कर सकता हूं, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रेन विच जनरेटेड ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड एट एडजेसेंट एटम। ठीक है, प्रेजेंटेड ऐसे लिखा जा सकता है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंटेड एडजेसेंट एटम्स। ठीक है, प्रेजेंटेड एटम्स में प्रेजेंट हो, और इन दैट केस जो स्ट्रेन जनरेट होगा उसको टॉर्सनल स्ट्रेन बोला जाएगा। नहीं समझ में आया, चलो एक बार इससे समझाते हैं, फिर हम लोग इसको मॉलिकुलर जो मॉडल है उसके थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैं अगर इस मॉलिक्यूल की बात करूं, आप एथेन कंसीडर कर लो, एथेन CH3CH3 सबसे सिंपलेस्ट एल्केन। ठीक है, तो होगा क्या कि देखो अगर इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ किया जाए तो ऐसे तो होगा नहीं, हाइड्रोजन भी हो रही है इस तरीके से, टेट्राहेड्रल है, ये भी sp3 hybridized है और ये पीछे वाला कार्बन भी sp3 hybridized है। तो समझना इस बात को, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन का बॉन्ड, ठीक है, सम डिस्टेंस होगा, शॉर्टर, बहुत शॉर्टर ही होगा। अब ये क्या है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड, इससे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसके लॉन्ग रोटेशन हो रहा है। अब रोटेट रोटेट करते हुए ये एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आया जो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल हो गए, दिस बॉन्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो इनके बीच का ये जब बॉन्ड आएंगे तो एक दूसरे को एक्लिप्स करना शुरू कर देंगे ये दो, कब, जब ए बॉन्ड एक दूसरे के पैरेलल हो। तो इस बॉन्ड के जो रिपल्सन होता है उस रिपल्सन से हम लोग बोलते हैं, उस रिपल्सन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या, जो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है एक दूसरे को एक्लिप्स करेगा। एक्लिप्स करने का मीनिंग, मैं एक साइड से दूसरे को देखना चाहूं तो कंप्लीटली दूसरा जो है ढक जाएगा। सन एक्लिप्स सुना होगा आपने, मून एक्लिप्स, उसी से भी रिलेटेड है, बॉन्ड एक्लिप्स बोला जाता है। टॉर्सनल स्ट्रेन बस अगर नाम देना चाहे इसको बॉन्ड एक्लिप्स भी बोला जा सकता है। ये कब जनरेट होता है, जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को एक्लिप्स करे,
कब, जब एडजेसेंट कार एडजेसेंट एटम पे प्रेजेंट हो, तो दिस बॉन्ड इज एक्लिप्सिंग अनदर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज एक्लिप्सिंग अनदर बॉन्ड। इस वजह से ये जो स्ट्रेन क्रिएट करेगा, जो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा, इसी को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड एज टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, चाहो तो अगर आप न्यूमन प्रोजेक्शन से विजुअलाइज करना चाहो तो उससे भी कर लो। क्या मैंने बोला न्यूमन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए, इस यहां से आप इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड के अलोंग आप विजुअलाइज करो, तो बैक वाले कार्बन को मैंने बोला सर्किल से रिप्रेजेंट कर दो, और इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से जो जुड़ा हाइड्रोजन है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, जो फ्रंट कार्बन है इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो हाइड्रोजन, और यहां पे कुछ इस तरीके से। अब देखो इस केस में सिंपल सी कहानी है, ये जो है ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर एक्लिप्सिंग ईच अदर, एक दूसरे के इतना क्लोज है कि थोड़ा बहुत रिपल्शन क्रिएट करे, राइट। ए भी बॉन्ड है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ए भी बॉन्ड है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक तो जो है आप मुझसे बेहतर जानते हो, जस्ट अभी पढ़ा है आपने, तो इन दैट केस दो सेम चार्जेस क्या करती है, रिपेल ईच अदर, रिपल्सन क्रिएट करती है। तो ये बात होती है जब इस केस में हम लोग बात करते हैं, इसी को हम लोग टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं, कि एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को एक्लिप्स करे, ठीक है, विच जनरेटेड ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट एट द एडजेसेंट कार्बन एटम विच आर, ऐसे मैं इसको कंप्लीट कर लूं, ऐसे पूरा इसको कंप्लीट कर दिया जाए सेंटेंस को, बिटवीन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट एट एडजेसेंट एटम एक्लिप्सिंग ईच अदर, एक्लिप्सिंग ईच अदर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बॉन्ड एक्लिप्सिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एक्लिप्स, बॉन्ड एक्लिप्सिंग, एक बॉन्ड का एक्लिप्स कर जाना दूसरे बॉन्ड से, एक्लिप्सिंग, बॉन्ड एक्लिप्सिंग, वर्ड में पहली बार शायद यूज कर रहा हूं बॉन्ड एक्लिप्सिंग, मतलब समझ में आ रही है बात की, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को एक्लिप्स करे, ठीक है। तो क्या मैंने बोला इस केस में कि स्ट्रेन इज जनरेटेड ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट एट एडजेसेंट एटम एक्लिप्सिंग ईच अदर, तभी यो होगा, तभी उस केस में टॉर्सनल स्ट्रेन देखा जाएगा। तो मैं बात करूं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें हम लोग इस मॉलिक्यूलर मॉडल से भी, ठीक है, अब समझना इस बात को, इस आइडिया को समझा जाए कि किस तरीके से टॉर्सनल स्ट्रेन मॉलिक्यूल के अंदर काम कर रहा है, समझना। ये बॉन्ड अगर बीच बैक वाले बॉन्ड को देखना चाहिए, अगर कंप्लीटली इसको एक्लिप्स करा दिया जाए, तो इन दैट केस क्या होगा, ये जब एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहा है ना, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन क्रिएट होगा, ये एक दूसरे को रिपल करना चाहेंगे। क्यों रिपल करेंगे, देखो इस बॉन्ड को बनाने में भी इलेक्ट्रॉन को यूज किया गया, इस बॉन्ड को बनाने में भी इलेक्ट्रॉन को यूज किया गया। अब जब एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज है, ये बॉन्ड एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज है कि इनके बीच में रिपल्सन आना स्वाभाविक है, रिपल्सन आएगा। अब इस रिपल्सन से जो मॉलिक्यूल को एक अनस्टेबिलिटी मिलती है, उसी को हम लोग जो है टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से आप देख लो, तो ये बॉन्ड अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसको एक्लिप्स कर रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसको एक्लिप्स, एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, और इस एक्लिप्स करने की वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टॉर्सनल स्ट्रेन। क्योंकि देखो ए भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ए भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी से समझा जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, तो मॉलिक्यूलर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, फील्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज आए कि ये जो है, मान लो कि आपने कंसीडर किया ऐसे डिस्टेंस है, एक क्लोज आए कि आपस में ये दोनों रिपल्सन शुरू कर देंगे। इसको आप वंडरवाल रिपल्सन से मत कंसीडर करना, वंडरवाल रिपल्सन क्रिएट होता है जब बल्कियर ग्रुप होता है, ग्रुप की वजह से। मैं ये रिपल्सन बोल रहा हूं ड्यू टू बॉन्ड, द रिपल्सन ड्यू टू बॉन्ड, नॉट रिपल्सन ड्यू टू एटम और ग्रुप, उसको हम लोग वंडरवाल रिपल्सन में अभी कंसिडर करेंगे उस चीज को भी। लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो बॉन्ड के बीच का जो रिपल्सन है उस रिपल्सन को कंसिडर किया जाएगा, दैट रिपल्सन विल बी कंसिडर एज द टॉर्सनल स्ट्रेन। समझ में आ रही है बात, ये रिपल्सन क्यों अकर होगा, बिकॉज वन बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को एक्लिप्स कर रहा है और ये दोनों के दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, दोनों एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज हैं कि इनके बीच में रिपल्सन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कहानी रहती है टॉर्सनल स्ट्रेन के लिए, टॉर्सनल स्ट्रेन के लिए क्या बोला गया, टॉर्सनल स्ट्रेन के लिए कि अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म में बोलना चाहूं कि क्या होता है कि टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रिजल्ट मतलब बेसिकली ये आता कहां से उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। पहला फैक्टर है क्या, मैं बोला हूं कि टू बीएमओस मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
bonding molecular orbital, two bonding molecular orbital will have unfavorable overlapping. Unfavorable overlapping will have unfavorable overlapping. इनके बीच का जो overlapping होगा unfavorable होगा, ठीक है, unfavorable overlapping होगा कभी भी, क्योंकि आप वेव की तरह ट्रीट करते हो ना, जब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ गया तब तो आप वेव बोल रहे हो। तो इस केस में अगर बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं तो इस केस में अनफेवरेबल होगा। हो सकता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का केस बने आगे जाके, उसमें फेवरेबल ओवरलैपिंग होगा, वो केस भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन जब दो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है तो दिस ओवरलैपिंग विल बी कंसिडर्ड एज द अनफेवरेबल ओवरलैपिंग। दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड आर एक्लिप्सिंग ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा सिग्मा बॉन्ड एक्लिप्सिंग ईच अदर देयर इज द अनफेवरेबल ओवरलैपिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड or you can consider as the unfavorable overlapping of the bonding molecular orbital, that is nothing but sigma 1, ठीक है। तो ये पहला कहानी है टॉर्सनल स्ट्रेन के लिए, इसका अलग नेम हो सकता है, कभी कभी इसको एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोलेगा, और भी नेम हो सकता है। सेकेंड आप देखें, सेकेंड फैक्टर बोले कि सर वंडरवाल स्ट्रेन से कैसे डिफरेंट है, उसको भी बताया जा सकता है। वंडरवाल स्ट्रेन ये कहां जनरेट होता है, ठीक है, समझना इस बात को। ये जनरेट करते हैं जब दो बल्कियर ग्रुप एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज हो, बल्कियर एटम हो जाए या ग्रुप हो जाए, एक दूसरे के इतना ज्यादा क्लोज हो कि रिपल्सन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है क्यों, द स्ट्रेन, स्ट्रेन नथिंग बट रिपल्सन, एक तरीके से मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज, रिपल्सन वर्ड भी यूज कर सकते हो। स्ट्रेन विच जनरेटेड ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप, स्ट्रेन विच जनरेटेड ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू बल्कियर एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जनरेट होगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू बल्कियर एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल एंड क्लोज टू इच अदर। जैसे कहानी कुछ ऐसा हो जाए, जैसे इसी की बात कर लेते हैं, इस मॉलिक्यूल में हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात कर लेते, इसी में देख लीजिए आप। मान लो मैंने यहां पर कोई ग्रुप रख दिया CH3, ठीक है, हाइड्रोजन, आप इसका एटलीस्ट कन्फॉर्मर भी ले सकते थे, ये भी कन्फॉर्मर कंसीडर कर सकते। देखना आप ध्यान से, होगा क्या इस केस में, क्या देखने को मिलेगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये बल्कियर नेचर है, और मान लो मैंने यहां पे एक मिथाइल ग्रुप और रख दिया। अब होगा क्या कि जब ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्लोज होंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों एक A1 का रेडियाई दूसरे के रेडियाई को ओवरलैप करेगा। यहां पर भी कहानी वैसे ही है, मान लो कि ये जब ग्रुप है इनके पास में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन है, इनके पास में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल रिपल ईच अदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है रिपल्सन, जो ये रिपल्सन ग्रुप के बीच में हो रहा है, दैट रिपल्सन विल बी कंसीडर्ड एज द वंडरवाल स्ट्रेन या वंडरवाल रिपल्सन आप बोल सकते हो। ये जो रिपल्सन हम लोग देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द वंडरवाल स्ट्रेन, क्लियर है। टॉर्सनल स्ट्रेन कब जनरेट होगा, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड, एंड वंडरवाल स्ट्रेन कब जनरेट होगा, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन ग्रुप आर एटम, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू बल्कियर ग्रुप आर एटम। कब होगा, जब एक दूसरे के इतना क्लोज हो जाए, इतना ज्यादा क्लोज हो जाए कि थ्री उनको स्पेस ही ना मिल पाए। एक जो है रेडियाई, अगर ये स्फेरिकल शेप लिया है, ये स्फेरिकल शेप लिया हुआ है, तो समझो कि एक दो को हम लोगों ने जबरदस्ती उस लोकेशन पे रख रखा है, तो देयर विल बी वंडरवाल स्ट्रेन इन दैट मॉलिक्यूल इफ टू ग्रुप आर एटम, कोई भी इस तरीके से ग्रुप एक दूसरे के क्लोज है, एंड सच दैट दे आर ओवरलैपिंग, रेडियस ओवरलैपिंग ईच अदर। इस ओवरलैपिंग से जो रिपल्सन जनरेट होगा, जो अनस्टेबिलिटी जनरेट होगी मॉलिक्यूल के लिए, वो बोला जाएगा वंडरवाल स्ट्रेन, ठीक है। एक और कहानी जुड़ती है इसके साथ में, ये भी यहीं पे मेंशन करते चलते हैं। थर्ड पॉइंट तो ये आप दोनों में देखने को मिलेगा, ये जो स्ट्रेन है टॉर्सनल और वंडरवाल स्ट्रेन, दो तरीके का हम लोग कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट करा के, कंप्लीट रोटेट करा के, और एक हम लोग बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग में। रिंग फ्लिपिंग में ये दोनों के दोनों स्ट्रेन क्रिएट होंगे, दोनों के दोनों स्ट्रेन काम करते रहेंगे, टॉर्सनल स्ट्रेन और वंडरवाल स्ट्रेन। थर्ड पॉइंट होता है एंगल स्ट्रेन,
एंगल स्ट्रेन, ठीक है, एंगल स्ट्रेन। अब ये क्या होता है, पहली बार नाम सुना, कहीं कहीं पे डिस्कशन आया होगा एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जनरेट होता है, राइट, इसको भी पहले मैं मेंशन कर देता हूं, फिर समझते हैं इस बात को। इट जनरेटेड ड्यू टू डेविएशन, इट जनरेटेड ड्यू टू डेविएशन इन बॉन्ड एंगल, ड्यू टू डेविएशन इन बॉन्ड एंगल ड्यू टू डेविएशन इन बॉन्ड एंगल फ्रॉम एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, ऐसे मैं लिख देता हूं, डेविएशन इन बॉन्ड एंगल फ्रॉम एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल। जैसे इस चीज को समझना, मैं लेता हूं साइक्लोप्रोपेन। वैसे इसको और ज्यादा डिटेल हम लोग वहां पे भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को कि एंगल स्ट्रेन किस तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर काम करता है। तो ये रहा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ चुका है, sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज के केस में इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.28 डिग्री, ये होना चाहिए था। लेकिन ये बॉन्ड एंगल है कितना, आप कितना विजुअलाइज कर पा रहे हो, 60। तो ऑलमोस्ट आपने क्या किया है, इस बॉन्ड एंगल को जहां 109 होना चाहिए था उसको जो है आपने जो है इतना डेविएट करा दिया, 49 के आसपास, 49 डिग्री के आसपास में आपने डेविएशन कराया। तो समझ सकते हो कि दिस मॉलिक्यूल हैव हाउ मच एंगल स्ट्रेन। जैसे समझो इस मार्कर की बात कर ले, मार्कर को 180 पे रहना है। अब मैं इसको बेंड करना शुरू कर दूं तो दिस मॉलिक्यूल, दिस मार्कर विल आल्सो हैव सम एंगल स्ट्रेन क्रिएट होगा। क्या मैं बोल रहा हूं, इसका नॉर्मल जो एंगल है 180 है, अब इसको बेंड करना शुरू कर दो, ठीक है, बेंट एंगल शुरू कर दो, तो जो बेंट करने के बाद जो स्ट्रेन क्रिएट होगा मॉलिक्यूल के अंदर, दैट स्ट्रेन विल बी कंसीडर एज द एंगल स्ट्रेन। तो यहां पे 49, जितना ज्यादा डेविएशन होगा उतना ही ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर साइक्लोप्रोपेन आपने लिया, साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो 90 होगा। अब ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 को अगर कैलकुलेशन, ये जो माना गया कि जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए इसको 109 होना चाहिए था, लेकिन दिखा रहा है 19, तो ये जो है कितने का डेविएशन आप देख पा रहे हो, दैट इज डेविएशन ऑफ 19 डिग्री। अब ये डेविएशन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एंगल स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल, वैसे ही बात किया जाए साइक्लोपेंटेन की, तो ये बॉन्ड एंगल आएगा 120 के आसपास में, और 120 भी डेविएट कर रहा है 109 से, ये भी तो डेविएट कर रहा है ना, 109 से डेविएट ही कर रहा है, तो भी 11 डिग्री का डेविएशन दिखा। अगर मैं प्लेनार फॉर्म इसका एज्यूम करूं, बाद में देखा जाएगा कि किस फॉर्म में आएगा, लेकिन ड्यू टू डेविएशन, दिस डेविएशन, इसी डेविएशन को हम लोग एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा विजुअलाइज करा दूं आपको, दिस इज आवर साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मैंने नहीं ड्रा कर रखा है, हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर, बिकॉज ये जो एंगल दिखाना चाहिए था, इस एंगल को दिखाना चाहिए था इसको 109, बात करते हैं इस एंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस एंगल को दिखाना चाहिए 109। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने इस एंगल को, जैसे इसको नॉर्मली क्या होना चाहिए था, 109 एंगल दिखाना चाहिए, ठीक है, ऐसे एंगल होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल शेप में होना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इस बॉन्ड को बेंट कर रहे हो, जब इसको आप साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, देयर इज, आप इसको इस तरीके से 60 पे ला रहे हो। यू कैन अज्यूम कि आपने बेंट करके इस मॉलिक्यूल को क्लोज लाया, इस बॉन्ड को क्लोज लाया, कहीं ना कहीं ये जो मॉलिक्यूल स्ट्रेन फील करेगा, जो रिपल्सन स्ट्रेन फील करेगा, उसी स्ट्रेन को हम लोग एंगल स्ट्रेन फील को बोलते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल विल हैव ऑल्सो सम स्ट्रेन, राइट, आपको भी अगर कुछ देर के लिए जो है बोल दिया जाए 90 एंगल पे आप जो है कुछ देर के लिए रहो, तो इन दैट केस आपको भी प्रॉब्लम हो, दिस मॉलिक्यूल विल ऑल्सो फील द सेम टाइप ऑफ स्ट्रेन एज यू कैन फील। और मॉलिक्यूल करता भी आगे इस स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए ना, आगे मॉलिक्यूल जो है अपने चेंजेस मॉडिफिकेशन करता है,
कि किस तरीके से चेंजेस लाया जा सके, और उस मॉडिफिकेशन को हम लोग रिंग फ्लिपिंग में देखेंगे। क्योंकि यहां पे जो एंगल स्ट्रेन है ना, एंगल स्ट्रेन ये ऑब्जर्व किया जाता है साइक्लिक सिस्टम के अंदर। नॉर्मल जो चेन है उसमें तो कोई एंगल स्ट्रेन होगा नहीं। आप जस्ट थिंक करो कि sp3 हाइब्रिडाइज जब बॉन्ड एंगल 109 दिखा ही रहा है, तो देयर विल बी नो एंगल स्ट्रेन इन द असाइक्लिक सिस्टम, बट देयर मे बी एंगल स्ट्रेन इन द साइक्लिक सिस्टम लाइक साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, इन सब में एंगल स्ट्रेन होगा। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे वर्ड यूज किया जाता है बेयर्स एंगल स्ट्रेन, जो वैल्यू आता है ये वैल्यू बेयर्स एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो, हम लोगों ने पहले ही लिख दिया कि डेविएशन इज दिस वन। तो जहां पे जितना ज्यादा डेविएशन होगा वहां पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा। जैसे अगर बोला जाए एंगल स्ट्रेन यहां से यहां जाने पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो एंगल स्ट्रेन इज डिक्रीज 49, 19, 11। ठीक है, समझ में आती है बात। अब यहां पे पॉइंट में आप इसमें ही लिख सकते हो कि एंगल स्ट्रेन इज ऑब्जर्व इन ओनली साइक्लिक सिस्टम। ठीक है, तो साइक्लिक सिस्टम के अंदर तीनों रहेंगे। साइक्लिक सिस्टम के अंदर मैं बोल रहा हूं टॉर्सनल स्ट्रेन भी रहेगा और वंडरवाल स्ट्रेन भी हो सकता है प्रेजेंट हो और एंगल स्ट्रेन भी प्रेजेंट हो, लेकिन असाइक्लिक सिस्टम के अंदर ये दोनों स्ट्रेन होंगे, ये स्ट्रेन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लो। क्या मैंने मेंशन किया? फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मर, और उसके बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से एथेन मॉलिक्यूल में ब्यूटेन मॉलिक्यूल के अंदर जो है अगर कन्फॉर्मर जनरेट किया जाए तो कन्फॉर्मर की स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग जो है एनालिसिस के लिए चलते हैं, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस के लिए। प्लीज नोट डाउन, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, 2 से 3 ग्रुप का हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्टेबिलिटी में चेंजेज आएगा जिस तरीके से कन्फॉर्मर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वो आप मेंशन कर दो। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं इथेन के केस में, तो आप मेंशन कर दो कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन वाली। इथेन के केस में देखते हैं कि किस तरीके से स्टेबिलिटी में चेंजेस होगा, जैसे जैसे जो है कन्फॉर्मर के लॉन्ग सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग हम लोग अगर रोटेट कराते चलते हैं तो कैसे स्टेबिलिटी में चेंज आएगा। ठीक है, तो देखो आप इथेन मॉलिक्यूल्स को अगर ऑब्जर्व करो, पहले तो देखो ये दिखा सकता है कि नहीं कन्फॉर्मर। क्या मैंने बोला कन्फॉर्मर दिखाने के लिए, कन्फॉर्मेशनल दिखाने के लिए क्या होना चाहिए इस केस में? इस केस में हम लोग को ऑब्जर्व करना चाहिए एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, किसके बीच में? 2 पॉलीवेलेंट एटम के बीच में। बस ये कंडीशन चाहिए कन्फॉर्मर शो करने के लिए। तो अगर कोई भी कंपाउंड के लिए अगर आप चेक करते हो कि उसमें हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसमरीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं, तो अब इन दैट केस आप चेक करो कि 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो और जो दोनों एटम हो पॉलीवेलेंट एटम हो, मोनोवेलेंट एटम का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसके अलावा अगर देखा जाए, समझना आप इस बात को, तो क्या कंडीशन लिया जा सकता है? पहले तो आप मैं इसका एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन जनरेट करता हूं, आप एक बार इसका सा हर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दें। ठीक है, सा हर्स प्रोजेक्शन और नीमर प्रोजेक्शन भी। अब समझ लें इसकी स्टेबिलिटी में थोड़ा सा हम लोग कमेंट करते हैं कि कैसे स्टेबिलिटी में चेंजेज आएगा। ठीक है, ये रहा इसका एक्लिप्स कंफॉर्मेशन, दिस इज द एक्लिप्स कंफॉर्मेशन। एक्लिप्स कंफॉर्मेशन में क्या देखने को मिलेगा? देखो ये जो हाइड्रोजन है एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, ये जो दो हाइड्रोजन है एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको वर्ड भी बना एक्लिप्स्ड। अब इस केस में क्या होगा, कौन सा स्ट्रेन अवेलेबल होगा? वंडरवाल स्ट्रेन नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल, कि वंडरवाल स्ट्रेन उस केस में हम लोग देख पाए स्मॉलेस्ट है, इसमें वंडरवाल स्ट्रेन की बात नहीं होगी। किसकी बात होगी फिर? टॉर्सनल स्ट्रेन की। तो क्या बोला जाता है, देखो आप जो ये कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो ये रिपल्सन होता है ना, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच का जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये मैग्नीट्यूड हम लोग कंसीडर करते हैं 4 kJ/mol के आसपास। बहुत हाई एनर्जी नहीं है, एक की बात मैं कर रहा हूं, एक के बीच में जो ये रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन की मैं बात कर रहा हूं, इस टॉर्सनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, ये वैल्यू होता है 4 kJ/mol, बहुत हाई वैल्यू नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन जो है ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन ये अनस्टेबल होगा और ये चाहेगा कि ये स्टेबल कन्फॉर्मर जनरेट करे। अब होगा क्या कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां पे रोटेट करना शुरू करेगा। अब देखना, आप फिनोमिना को समझना कि किस तरीके से इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो ये रहा इसका एक्लिप्स कन्फॉर्मर,
अब ये एंगल जैसे जैसे रोटेट मैं करता हूं, ये धीरे धीरे अगर रोटेट किया जाए, वैसे तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये रोटेट होता है, हर्ट्स में मेगा हर्ट्स में रोटेशन देखने को मिलता है, बट अगर ये रोटेट करता है, रोटेट करते करते क्या होगा, जैसे जैसे रोटेट करते जाएगा जो टॉर्सनल स्ट्रेन है, क्योंकि इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ऑब्वियसली जब ये दूसरे से एग्जैक्टली पैरेलल है तो सबसे ज्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, जैसे जैसे आप इसको बेंड करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट इसको देते जाओगे, ये टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम हो जाएगा और एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा जिसमें कि टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम होगा, जिसपे टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम होगा। अब उसके बाद फिर से अगर जो है आप रोटेट कराते हो, फिर से रोटेट कराया आपने और फिर रोटेट करते करते फिर जो है टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ेगा, क्योंकि आप वो दूसरे बॉन्ड के साथ एक्लिप्स करने जा रहे हैं, समझ रहे हो आप बात को, ये फिर से एक्लिप्स कर दिए, फिर से मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन, फिर आपने क्या किया, फिर ये रोटेट करते गया, क्योंकि ये रोटेशन आप होते रहता है, अब यहाँ पे फिर टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम, देन फर्दर रोटेशन हुआ, फिर टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम, फिर रोटेट कराया आपने, टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम होगा, फिर मैक्सिमम होगा। तो ऐसे ही अप डाउन हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, किसी में टॉर्सनल स्ट्रेन हाईएस्ट हो जा रहा है और किसी में क्या होगा, इसमें मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन 60 डिग्री से आपने रोटेट किया तो मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन, या बोल सकते हो कि ना जो है जीरो टॉर्सनल स्ट्रेन, उसमें फिर जो है जीरो टॉर्सनल स्ट्रेन, मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन, फिर जो है ये टॉर्सनल स्ट्रेन। अच्छा, जब मैं बोला हूं कि एक कार्बन हाइड्रोजन के केस में जो एक जो टॉर्सनल स्ट्रेन क्रिएट किया जा रहा है, तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन 4 किलो जूल का है, तो तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ऐसे, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 किलो जूल पर मोल देना होगा। अगर आप इसको एक फॉर्म से एक इथेन को दूसरे इथेन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, एक कन्फॉर्मर टू अनदर कन्फॉर्मर ऑफ द इथेन, आपको 12 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मैं कंसीडर करूं वो टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज होता है तो इतनी एनर्जी उसको मिल जाती है, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये रूम टेम्परेचर में आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में फ्रीक्वेंटली ये कन्वर्ट होते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी बैरियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूं या इस फॉर्म से ये इस फॉर्म में जाता है मान लीजिए, तो आपको 12 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने, ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा जो भी सराउंडिंग रहेगा उससे 12 किलो जूल इजिली एब्जॉर्ब कर सकता है, तो 12 किलो जूल पर मोल बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, इजिली एब्जॉर्ब करके एक वन कन्फॉर्मर से अनदर कन्फॉर्मर में कन्वर्ट हो सकता है। तो होगा क्या, ये तो रहा इसका एक्लिप्स कन्फॉर्मर, ये जो है स्टैगर्ड कन्फॉर्मर में जा सकता है। अब स्टैगर्ड को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है देखना आप ध्यान से, ये इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना जीरो, इसको आप रोटेट करा के 120 अगर रोटेट कराओगे तो फिर से एक्लिप्स हो जाएगा, फिर आपने रोटेट कराया 120 प्लस 120 240 पे फिर से जाके एक्लिप्स हो जाएगा। तो इस स्टैगर का कन्फॉर्मेशन कब बनेगा, जब ये 60 होगा, अगर इसको आप जो है ड्रॉ करना चाहो तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन इसको आप ऐसे रोटेट करा दो, ठीक है, ये रहा आपका स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, इसको दिखाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, हाइड्रोजन ये रहा, इसको मैं इधर से विजुअलाइज कर रहा हूं, इस साइड से विजुअलाइज कर रहा हूं, अगर इस बॉन्ड के अलावा विजुअलाइज किया जाए तो ये बैक वाला कार्बन जिसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बैक साइड, फ्रंट कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, क्लियरली आप देख सकते हो कि देयर इज नो एक्लिप्सिंग ऑफ द बॉन्ड, इफ देयर इज नो एक्लिप्सिंग ऑफ बॉन्ड देयर विल बी नो टॉर्सनल स्ट्रेन, इस केस में कोई भी ऐसा नहीं, तो लिख सकते हो आप वैन डेर वाल्स स्ट्रेन वैसे भी नहीं होगा बिकॉज इनके बीच का जो रिपल्सन है बहुत कम होगा, बहुत स्मॉल साइज है ना, इन दोनों का साइज बहुत ही स्मॉल है, तो देयर इज नो वैन डेर वाल्स रिपल्सन और जो है देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन ऑल्सो, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को एक्लिप्स ही नहीं कर रहे। अब फर्दर अगर ये रोटेट आप कराते हो तो फर्दर वो टॉर्सनल स्ट्रेन जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो मैं ये क्लियरली बोल सकता हूं कि अगर आपको इस फॉर्म से ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ध्यान से देखना, अगर ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो कौन सा स्टेबल फॉर्म है, ये स्टेबल फॉर्म, दिस इज मोर स्टेबल, मैं लिख सकता हूं दिस कन्फॉर्मर इज मोर स्टेबल क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं है, और ये दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, कितना लेस स्टेबल होगा, तो मैंने बोला 4 किलो जूल पर मोल एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड होगा, तो देयर इज 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि रिपल्सन की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ रिपल्सन इज 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 किलो जूल। अच्छा, एनर्जी रिलीज करेगा कि अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगी, 12 किलो जूल पर मोल इसको रिलीज करेगा। आइए थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं कि कैसे मॉडिफिकेशन होगा इसका कन्फॉर्मेशन एनालिसिस में, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको कर्व से भी आइडिया ले लो कि किस तरीके से चेंजेज होगा, ठीक है, तो मैं इधर बना देता हूं एनर्जी कर्व, ठीक है,
जो डेल एच का कर्व बना देते हैं या डेल जी बना दो, कुछ भी बना दो, तो डिफरेंस आएगा। और इधर मैं ये कोऑर्डिनेट बना देता हूं, ठीक है, समझते इस बात को, डाइहेड्रल एंगल है ये जो कोऑर्डिनेट है, ये डाइहेड्रल एंगल यानी कि फाई, यानी कि फाई है, समझना इस बात को। अब जब इसमें जो एंगल है यहां पे जीरो डिग्री होगा, जीरो से स्टार्ट करोगे तो जीरो पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहा है, तो एक्लिप्स करने पे जो इसकी एनर्जी है वो हाई है, कितना हाई है, 12 किलो जूल, किसके रिस्पेक्ट में, मान लो यहां पे मैंने कंसीडर किया ये जो पॉइंट है ये दिखा रहा है स्टैगर्ड कंफर्मेशन को, तो जो एक्लिप्स कंफर्मेशन है ये 12 किलो जूल, इसके रिस्पेक्ट में 12 किलो जूल ऊपर रहेगा, तो जीरो एंगल पे क्या होगा, एक दूसरे को एक्लिप्स करेंगे तो यहां पे ये जो एनर्जी का गैप होगा ये होगा 12 किलो जूल पर, 12 बहुत हाई एनर्जी नहीं है, इजिली वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो 12 किलो जूल पर मोल। ये जैसे जैसे आप अब जो है दूर ले जाओगे इसको, ये एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, अब जैसे जैसे आप इसको दूर ले जाओगे ये जो टॉर्सनल स्ट्रेन है कम होगा, और टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है या एनर्जी बोल सकते हैं ये कम होती जाएगी, कम होते होते एनर्जी कम हुई और एक पॉइंट पे आके ये एनर्जी ऑलमोस्ट इस पे कंसीडर किया जाएगा। अब ये कौन सा एंगल है, ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बता सकते हो आप, दिस इज द आवर 60 डिग्री, क्योंकि यहां पे आने के बाद जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो जीरो, जैसे ये एक्लिप्स कर रहा था इसको आपने रोटेट कराया 60 डिग्री से, टॉर्सनल स्ट्रेन जीरो हो गया। अच्छा फिर रोटेशन के लिए चलते हैं, फिर अनदर 60 को रोटेट कराते हैं, तो जैसे जैसे आप रोटेट कराओगे क्या देखने को मिलेगा, वंस अगेन टॉर्सनल स्ट्रेन इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वो जो है एक्लिप्स कर गया, फिर आप रोटेट कराया, फिर टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा, फिर ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा और फिर कितना पे आ जाएगा देख लो। ये एंगल था आपका, मैं एंगल भी मेंशन करते चल रहा हूं, ये एंगल था 60, आपने इसको रोटेट कराया जहां पे कि फिर से जैसे ये एंगल था 60, आपने अनदर 60 से रोटेट कराया, फिर से वो एक्लिप्स फॉर्म में चला गया, तो ये हो गया इसका 120 एंगल, फर्दर 60 से आपने रोटेट कराया 180 आया, तो 180 पे ये फिर से स्टेबल हो गया, फिर से स्टेबल हो गया, क्योंकि ये एक्लिप्स कंफर्मेशन, मींस बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे एक्लिप्स, सॉरी स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स सो ऑन चलता रहेगा, तो उस आगे का भी वही कहानी है, आगे में भी कोई चेंज नहीं होने वाला है, ऐसे ही आगे आप प्रोसीड कर दो। ये क्या हो जाएगा, 180 के बाद 60 जोड़ दो 240, ठीक है, इसको जोड़ दो आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300, और ये लास्ट पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा आपका 360, वही सेम पोजीशन पे आ गए, तो समझ में आप आ रहा है कि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीच वाले जो एंगल जितने भी है उस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस 0 से 60 के बीच का जो डाइहेड्रल एंगल है उस एंगल को, उस एंगल के बीच का जो स्टेबिलिटी है पॉइंट ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई भी पॉइंट, वैसे ही ये पॉइंट 60 पे है जब मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन हो गया, तो मिनिमम टॉर्सनल स्ट्रेन यानी कि ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म है, ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं जब बॉन्ड एंगल 60 हो, 180 हो या 300 हो, और ये बोला जाता है एक्लिप्स कंफर्मेशन, एक्लिप्स कंफर्मेशन जहां पे बॉन्ड एंगल 0 हो जाए, बॉन्ड एंगल 120 हो जाए या बॉन्ड एंगल 240 हो जाए या 360 मिस 0 हो जाए, वही केस कंसीडर किया जाएगा, वो इसका एक्लिप्स कंफर्मेशन हो गया। मतलब अगर मैं मॉलिक्यूल को ड्रॉ करूं यहां पे, समझना इस बात को, जो एक्लिप्स कंफर्मेशन है अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये इसको एक्लिप्स कर रहे हैं, ठीक है, ये इसको एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, ऐसे एक्लिप्स कर रहे हैं, तो ये एक्लिप्स कंफर्मेशन हो गया। इस पॉइंट पे मैं बात करूं, यहां पे पॉइंट अगर इन सभी पॉइंट की बात करें तो ये इसको स्टैगर कंफर्मेशन दिखाएगा, तो अगर मैं स्टैगर कंफर्मेशन यहां पे ड्रॉ करता हूं, दिस इज आवर स्टैगर कंफर्मेशन, क्या होगा, देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल, देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल, तो ये हमारा रहा एक्लिप्स, ये हो गया स्टैगर कंफर्मेशन, ठीक है, तो यही बस समझना है कि इसमें एक एक्लिप्स और स्टैगर में चेंज होता रहेगा, ये जब 60 मूव किया तो एक्लिप्स में, एक्लिप्स से स्टैगर गया, पहले जीरो अगर एंगल था तो ये रोटेट हुआ 60 से तो स्टैगर कंफर्मेशन गया, अनदर 60 गया तो फिर एक्लिप्स हो गया, फिर 60 रोटेट किया तो फिर ये हो गया, और फिर इस तरीके से ये कंफर्मेशन इसका चेंज होता रहा, और ये जितने भी एंगल इसमें जनरेट हो रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी और की स्टेबिलिटी इनके बीच में रहेगा, स्टैगर और एक्लिप्स के बीच में रहेगा, समझ में आती है बात, जितने भी स्क्यू वाले रहेंगे उनका जो स्टेबिलिटी होगा स्टैगर और
जो है बोल रहा हूँ एक्लिप्स के बीच में रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगी जब हम लोग इसकी बात करते हैं, इथेन का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस करते हैं, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो बन के आएगा, देखो आप सबसे ऊपर कौन सा होगा, ये सबसे नीचे जो है दिख रहा है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, दैट इज स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इसक्यू आ जाएगा, इसक्यू मीन्स वो ये सभी जो पॉइंट इसके बीच में होंगे, ना इधर एक्लिप्स हो ना इधर स्टैगर्ड हो, इसके बीच का जो एंगल हो, यानी कि 0 से 60 के बीच का जो भी एंगल हो, 60 से 180 के बीच का जो भी एंगल, सॉरी 60 से 120 के बीच का जो एंगल हो, 120 से 180 के बीच में, तो आप देख लो कि यहाँ पे एक्लिप्स लाइज कर रहा है, यहाँ पे स्टैगर्ड है, तो जो अदर एंगल्स हैं वो इन्हीं के बीच में लाइज करेंगे, तो स्टैगर्ड ग्रेटर देन स्क्यू ग्रेटर देन एक्लिप्स, ठीक है, ग्रेटर देन एक्लिप्स। वैसे इन्हीं दोनों में कंपैरिजन आता है स्टेगर और एक्लिप्स में, एक्लिप्स जो है स्टेबल लेस स्टेबल होगा, एक्लिप्स लेस स्टेबल होगा ड्यू टू क्या रीजन आ रहा है, ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन, ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन, वंडरवाल स्ट्रेन अभी इसमें नहीं आएगा, आगे के केस में आएगा। तो ये हम लोग का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन रहा इस केस के लिए, कि जो है जो मिनिमम एनर्जी होगी वो स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन में होगा और जो मैक्सिमम एनर्जी होगी ये एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में होगा, उसके बीच में एनर्जी चेंज होती रहेगी, इस क्यू की जो है एनर्जी होगी, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, यही पॉइंट यहां से निकल के आता है जो मोर इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है किसी भी बॉन्ड के अलावा, किसी भी बॉन्ड के अलावा। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, आप नोट डाउन कर लो इसको पहले, तो नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे ब्यूटेन मॉलिक्यूल का, ब्यूटेन मॉलिक्यूल का हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से उसमें एनर्जी में चेंजेज आएगा जैसे जैसे सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट कराया जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन मॉलिक्यूल की बात करें, देखो आप CH3, CH2, CH2, CH3, अब इसमें दो टाइप का एनालिसिस हो सकता है, या तो आप इस सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि मैं बोल सकता हूं C1, C2 के लॉन्ग एनालिसिस किया जा सकता है, या आप इस सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग कर सकते हो, यानी कि C2, C3 के लॉन्ग एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। C1, C2 के लॉन्ग एनालिसिस हो सकता है या C2, C3 के लॉन्ग एनालिसिस आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैं फोकस हूं C2, C3 को लेकर। आप चाहो तो C1, C2 के लॉन्ग लेकर एनालिसिस किया जा सकता है, आप ट्राई करना रूम पे कि किस तरीके से जो है डिफरेंट कन्फॉर्मर जनरेट होंगे और क्या स्टेबिलिटी जाएगी। पहले आप C2, C3 के लॉन्ग एनालिसिस को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसके लॉन्ग जो है एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं, इसमें आप लिख सकते हो कि एनालिसिस अलोंग, एनालिसिस अलोंग C2, C3, जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो C2, C3 के लॉन्ग हम लोग करने जा रहे हैं, C2, C3 के लॉन्ग करने जा रहे हैं। तो ये बात करें इसमें, देखिए तो मैं इस केस में पहले जीरो एंगल से ही स्टार्ट करते हैं एक्लिप्स के केस में। देखिए अब इस सिग्मा वन को जो है रिप्रेजेंट किया जाए, तो मैं नीवन प्रोजेक्शन का हेल्प लेता हूं इसमें। देखिए यहां पर एक मिथाइल ग्रुप ले लेता हूं जो ये वाला मिथाइल को रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन, मैं इस साइड से इसको व्यू कर रहा हूं, ठीक है, जिस बॉन्ड को मैं व्यू करना चाह रहा हूं, यहां पे हाइड्रोजन यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब समझना आप इस केस को कि यहां फ्रंट वाला मिथाइल ग्रुप होगा जो कि CH3 हो गया और यहां पे आपका H हो गया लाइक दिस। वंस अगेन आपको क्या देखने को मिलेगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन है, एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है, ये टॉर्सनल स्ट्रेन है, यहां पर भी टॉर्सनल स्ट्रेन है और यहां पे भी टॉर्सनल स्ट्रेन है, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइटली टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा होगा इस केस में, ठीक है, मतलब एक तरीके से जो रोटेशन बैरियर है दैट विल बी ग्रेटर देन इसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेशन बैरियर फॉर द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द केस ऑफ इथेन, ठीक है। तो मैं ये चाहूं तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि द रोटेशन बैरियर अलोंग C2, C3 is greater than किससे greater है, greater than along carbon carbon bond in ethane, but अभी भी उतना ज्यादा नहीं है कि इस rotation को ये रोक पाए, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं कि greater than कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एथेंस उससे तो ज्यादा होगा ये एनर्जी बैरियर, यानी उसको रोटेट करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कंपेयर टू
इथेन, बट अभी भी उतना सफिशियंट नहीं है कि रोटेशन को स्टॉप कर दे। समझ में आ रही बात? मीन्स देयर विल बी रोटेशन, सम रोटेशन अकर होगा, बट स्लाइटली थोड़ा सा इसमें बैरियर, जो रोटेशन बैरियर बोला जाता है, मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो एनर्जी बैरियर है उसी को रोटेशन बैरियर बोलते हैं, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पे केस है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स कंफर्मेशन। अभी एक्लिप्स में भी हम लोग इसमें और भी केसेस देखेंगे। तो इसको अगर आप 60 डिग्री से रोटेट कराते हो, समझना इस बात को, आपने 60 डिग्री से रोटेट कराया तो ये जो कंफर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, यहां पे CH3 है, ठीक है, ठीक है, यहां पे CH3 है, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे हाइड्रोजन। अब होगा क्या, CH3 कितना एंगल बनाएगा, डाइहेड्रल एंगल। यहां पे डाइहेड्रल एंगल क्या था, फाइव इज्क्वल टू जीरो था। यहां में फाइव इज्क्वल टू कितना है, फाइव इज्क्वल टू कितना है, देखो ये कितना एंगल है, 60। तो ये आपका स्टैगर कन्फॉर्मर ही है। स्टैगर कन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया था, 60 एंगल हो, 60 के बाद हम लोगों ने बोला था 60 प्लस 120 कर दो, 180 का एंगल आ जाए, 180 प्लस 120 300 का एंगल हो जाए। इसके केस में कब बोला जाएगा, एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन जीरो हो जाए, 0 प्लस 120 से डिफर आ जाता है, 0 प्लस 120 हो जाए, 120 प्लस 120 240 हो जाएगा। तो वो केसेस में आपको एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन दिखेगा। तो ये हमारा एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन था। अभी इसको नेमिंग करेंगे क्योंकि अदर टाइप के भी एक्लिप्स जनरेट होंगे। तो 60 डिग्री से रोटेट हुआ। अच्छा, यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन के अलावा एक और स्ट्रेन काम कर रहा है, क्योंकि अब मिथाइल ग्रुप बल्कियर है, तो यहाँ पे सम वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल स्ट्रेन भी काम करेगा। देयर इज सम वंडरवाल स्ट्रेन, इसको मैं लिख देता हूं, इन दोनों मिथाइल के बीच में वंडरवाल स्ट्रेन भी काम करेगा। देखा जाए वंडरवाल स्ट्रेन, देखो नो डाउट टॉर्सनल स्ट्रेन तो काम करता ही रहेगा, बट देयर विल बी सम वंडरवाल स्ट्रेन आल्सो। जैसे ये मॉलिक्यूल को देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक्लिप्स कर रहे हैं, इसको समझना आप बात को, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक्लिप्स कर रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्लिप्स कर रहे हैं जब इस कन्फॉर्मर में, इस वाले को मैंने रिप्रेजेंट किया इसे, तो नो डाउट ये जो बॉन्ड एक्लिप्स हो रहा है उससे तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्रिएट हो ही रहा है। साथ साथ में चूंकि ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के क्लोज हैं और इस क्लोज की वजह से इसके बीच में भी रिपल्सन क्रिएट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या है, आपके सामने एक बल्कियर ग्रुप है, भी बल्कियर ग्रुप है। अब इनके बल्कियर ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन क्रिएट होगा, अगर आप देखो इस रिपल्सन को हम लोग बोलेंगे वंडरवाल स्ट्रेन, उतना ज्यादा नहीं होगा जितना टॉर्सनल स्ट्रेन है, बट देयर विल बी सम रिपल्सन बिटवीन दिस टू मिथाइल ग्रुप, और इसी रिपल्सन को हम लोग बोल रहे हैं कि दिस रिपल्सन विल बी कंसीडर्ड एज वंडरवाल स्ट्रेन, वंडरवाल रिपल्सन बोला जा सकता है। तो ये रिपल्सन हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर द केस ऑफ फर्स्ट केस में, जहां पे कि आपका जो डाइहेड्रल एंगल है ये जीरो। अब समझना इसको फर्दर में रोटेट कराता हूं, फर्दर रोटेट किया जाए कितने से, 60 से, फर्दर में रोटेट कराऊ 60 से। तो ये आपने रोटेट कराया, रोटेट कराने पे क्या इफेक्ट पड़ा, आपने ये रोटेट कराया तो रोटेट कराने पे क्या होगा, अब देखो आप समझना इस बात को, 60 डिग्री से रोटेट कराया तो नो डाउट टॉर्सनल स्ट्रेन तो जीरो हो गया, टॉर्सनल स्ट्रेन इज नॉट देयर, बट देयर इज सम वंडरवाल स्ट्रेन विल बी आल्सो देयर। वंडरवाल स्ट्रेन काम कर रहा है अभी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जब पार्टिकुलर ये इस कन्फर्मेशन में है। तो यहां पे आप वंडरवाल स्ट्रेन अभी भी ऑब्जर्व करोगे, ध्यान रखना ये अभी भी उतना दूर नहीं है कि वंडरवाल स्ट्रेन नहीं ऑब्जर्व किया जा सके, बट देयर इज वंडरवाल स्ट्रेन आल्सो इन दिस केस। अब नेक्स्ट 60 से अगर आप रोटेट कराते हो तो जो नया कन्फॉर्मर जनरेट होकर आएगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH3H, इस वाले कार्बन से CH3, ठीक है। यहां पे भी अगर मैं बात करूं, सॉरी इसको मैंने जो है ड्रॉ कर दिया, ऐसे एक्लिप्स करा रहे हैं ना इसको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देयर इज नो डाउट टॉर्सनल स्ट्रेन इज ऑल्सो देयर, टॉर्सनल स्ट्रेन देयर, और वंडरवाल स्ट्रेन इसमें मिनिमम होगा, वंडरवाल स्ट्रेन नहीं होगा जितना इस केस के लिए आपने देखा था। There will be no van der Waals strain because hydrogen is smaller group, है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका टॉर्सनल, इस केस के लिए आप van der Waals strain ऑब्जर्व करो, इस केस के लिए आप जो है टॉर्सनल स्ट्रेन ऑब्जर्व करो। इसको फर्दर 60 से रोटेट कराया जाए, ठीक है, फर्दर 60 से रोटेट कराया जाए। अब देखो आप केस, ठीक है, तो ये फाइव एंगल कितना हुआ, कितने से आपने रोटेट कराया, मिथाइल को लेकर रोटेट करा रहे, तो ये डाइहेड्रल एंगल आपका आ रहा है 120, this is dihedral angle is 120, there is torsional strain as well, torsional strain only। अब इसकी बात किया जाए, इस केस को समझना कि फर्दर 60 से अगर मैं रोटेट कराता हूं तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ऐसा, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन यहां पे आ जाएगा आपका CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इस केस में क्या है कि जब 5180 हुआ ना, इस केस में क्या देखने को मिला, एक तो बॉन्ड एक दूसरे को एक्लिप्स तो कर नहीं रहे, देयर इज नो एक्लिप्सिंग इन बॉन्ड। अब एक्लिप्स नहीं हो रहा है तो देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन,
नो टॉर्सनल स्ट्रेन। अच्छा वंडरवाल स्ट्रेन होगा क्या? देख लो मिथाइल ग्रुप तो बहुत दूर दूर है ना, मिथाइल ग्रुप अगर मान लो इसको आपने रोटेट करा दिया, इसको कंसीडर किया, आप कंसीडर करो ऐसे है, ऐसे कुछ ओरिएंटेशन है, तो ये मिथाइल ग्रुप तो नीचे हो गया, ये मिथाइल ग्रुप है बाबा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्पेशियल डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा है, इनके बीच का जो है रिपल्सन ऑब्जर्व किया जाए। ये मेरा ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, ये जब एक दूसरे से एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं तब ये रिपल्सन क्रिएट हो रहा है, बट जब ये इस एंगल को बनाता रहेगा 180 तो देयर विल बी नो टॉर्सनल स्ट्रेन एज वेल एज द देयर विल बी नो हम लोग बोल सकते हैं वंडरवाल स्ट्रेन, दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस वजह से अगर कंसीडर किया जाए हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि अभी तक के जितने भी केसेस थे या तो वंडरवाल स्ट्रेन या टॉर्सनल स्ट्रेन काम कर रहे थे। अभी बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की, बात करते हैं फिर हम लोग कर्व को ड्रॉ करेंगे। फर्दर अगर आप 60 से रोटेट कराते हो तो फिर वही कहानी आएगी, फिर आप देखोगे क्या ये CH3 ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैं क्या कर रहा हूँ बैक वाले कार्बन को ऐसे ही रखा हूँ, फिक्स रखा हूँ, फ्रंट वाले कार्बन को रोटेट करा रहा हूँ, तो उससे डिफरेंट जो आइसोमर जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग विजुअलाइज करना चाह रहे हैं किस तरीके से एनर्जी में चेंज होगा। इसको आपने रोटेट कराया, फ्रंट वाले कार्बन को हाइड्रोजन यहाँ पे मिला, CH3 मिला और यहाँ पे ऊपर में हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है समझ में आता है? अभी भी वही कहानी यही है 120 वाला, क्योंकि 120 के बाद अब देखो आप 60 से रोटेट करा रहे हो तो हो जाएगा 5 = कितना 240, क्योंकि ये पूरा एंगल आपने रोटेट कराया ना। अब देखो इस केस में, इस केस में आपका टॉर्सनल स्ट्रेन काम कर रहा है, यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन प्रेजेंट है और टॉर्सनल स्ट्रेन पता है कि मॉलिक्यूल को ये डिस्टेबलाइज करेगा, उससे वैसे ही आगे वाला बना सकते हो। 60 से रोटेट कराओगे तो फिर वंस अगेन आपको ये मिल जाएगा, ये वाला केस मिल जाएगा, और फिर आप रोटेट कराओगे तो फर्स्ट वाला केस आ जाएगा। इसको हम लोग कैसे नेमिंग कैसे करते हैं देखना आप ध्यान से, इसको बोला जाता है फुली एक्लिप्स। फुली एक्लिप्स क्यों बोला गया देखो आप ध्यान से, फुली एक्लिप्स इसलिए बोला गया क्योंकि मिथाइल मिथाइल को ओवरलैप कर रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है समझ में आती है बात? फुली एक्लिप्स में मिस ये ग्रुप और इस ग्रुप का साइज सेम है, इसकी वजह से कंप्लीटली एक्लिप्स होंगे, दोनों ग्रुप एक दूसरे को ढक देंगे, एक ग्रुप से अगर देखना चाहोगे दूसरे ग्रुप को दैट विल बी नॉट पॉसिबल अगर वो कंप्लीटली एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं। ठीक है तो इसको बोला जाता है फुली एक्लिप्स, इसको बोला जाता है गॉज फॉर्म, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म ही है, स्टैगर्ड फॉर्म में भी इसको स्पेशल केस दिया गया। क्यों ऐसा किया गया देखो, ए भी स्टैगर्ड फॉर्म है, ए भी स्टैगर्ड फॉर्म है, इन दोनों को डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, ये भी एक्लिप्स कंफर्मेशन है और ये भी आपका देख लो आगे का केस कौन सा, ये भी एक्लिप्स कंफर्मेशन है, तो इन दोनों को दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है कि ये कंप्लीटली एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं, इसमें कंप्लीटली एक्लिप्स नहीं होगा। नहीं समझे, आप जब बोल रहे हो कि मिथाइल मिथाइल ग्रुप ऐसे एक ओरिएंटेशन में है तो देयर इज कंप्लीट एक्लिप्स, यहां पे एक दूसरे को कंप्लीटली एक्लिप्स किया जा रहा है, बट अगर मान लो ऐसा केस हो जाए कि इसको मैं 60 से 120 से रोटेट करा दूं तो यहां पे कंप्लीट एक्लिप्स नहीं होगा। हाँ एक्लिप्स तो कर रहे हैं बट कंप्लीट एक्लिप्स नहीं होगा, देख लो क्या मैंने किया है, ये मिथाइल यहां पे हाइड्रोजन यहां पे, तो देयर इज नो कंप्लीट एक्लिप्सिंग इन दिस केस। कौन सी किसकी बात करूंगी यहां पे, तो इसको बोला जाता है, इसीलिए इसको टर्म बोला गया, इसको बोला गया फुली एक्लिप्स, इसको बोला जाता है पार्शली एक्लिप्स, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शली एक्लिप्स। ठीक है पार्शली एक्लिप्स हो गया, ठीक है इसको मैं बोला हूं गॉस फॉर्म, क्योंकि अब ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर फॉर्म याद है ना किसको बोला गया, 60 एंगल हो, 60 + 120 180 एंगल हो, 180 + 120 दैट विल बी 300, इसके बाद जो एंगल आएगा 300 वो कंसीडर किया जाएगा। तो देखो गॉस फॉर्म हो गया, इसको क्या बोला जाएगा, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, इसको बोला जाता है एंटी फॉर्म। ये दोनों ध्यान रहे, ये दोनों स्टैगर्ड फॉर्म के ही क्लासेज है, डिफरेंट हो गया, दो तरीके से हो गया, 60 एंगल बना रहा है, 180 बना रहा है, क्योंकि ये दोनों डिफर कर रहे हैं इस वजह से ये कंसीडर किया जा सकता है। अब मुझे एक बात बताना कि ये चार केसेस ही बन के आएंगे, बिकॉज अगर आप फर्दर जाते हो देखो आप ये वाला केस कहां पे जनरेट हुआ, ये वाला, ये पार्शली एक्लिप्स ही, उसके बाद जाओगे तो फिर वंस अगेन आपको गॉस फॉर्म देखने को मिलेगा, ये वाला फॉर्म देखने को मिलेगा, और फिर 60 डिग्री से रोटेट कराओगे तो फुली एक्लिप्स मिलेगा। ठीक है समझ में आता है? अच्छा थोड़ा सा इसके कमेंट कर लेते हैं स्टेबिलिटी का, विदाउट डेटा हम लोग जो है पहले स्टेबिलिटी पे ही कमेंट कर लेते हैं, इन सभी कंफॉर्मर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या जाएगा, इस क्यू को साइड रखो, इसकी बात करते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखो इस केस में इस मॉलिक्यूल के अंदर नो टॉर्सनल स्ट्रेन नो वंडरवाल स्ट्रेन, ठीक है द लीस्ट स्ट्रेन इन दिस मॉलिक्यूल, तो क्या बोला जा सकता है एंटी फॉर्म सबसे ऊपर आ गया, एंटी फॉर्म के बाद कौन सा फॉर्म जाएगा, देखो इसमें वंडरवाल स्ट्रेन तो काम कर रहा है बट टॉर्सनल स्ट्रेन उतना जाए, वंडरवाल स्ट्रेन अराउंड 3 kJ के आसपास में आएगा, यहां पे वंडरवाल स्ट्रेन तो काम कर रहा है बट टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं काम कर रहा है, तो वो एंटी के बाद आ जाएगा गॉज फॉर्म,
फिर से मैं बोलूंगा आपसे ये दोनों स्टैगर्ड फॉर्म ही है, बट चूंकि एंटी फॉर्म और ये गॉज फॉर्म दोनों अलग थे इसलिए इसको नेम दे दिया गया एंटी एंड गॉज फॉर्म। समझ में आती है बात। अब उसके बाद एक्लिप्स और पार्शियली एक्लिप्स में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फुली एक्लिप्स में देयर इज वंडरवाल स्ट्रेन ऑल्सो, टॉर्सनल स्ट्रेन तो है ही, देयर इज वंडरवाल स्ट्रेन ऑल्सो, यहां पे वंडरवाल स्ट्रेन नहीं है। तो अब इसलिए आपका केस हो जाएगा क्या कि पार्शियली एक्लिप्स की स्टेबिलिटी, पार्शियली एक्लिप्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे? फुली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स विल बी मोर स्टेबल देन फुली एक्लिप्स। क्लियर है ना ये बात? तो पार्शियली एक्लिप्स विल बी मोर स्टेबल देन फुली एक्लिप्स। समझते हैं इसको, थोड़ा सा कर्व ड्रॉ करते हैं। कौन सा कर्व? एनर्जी वाला कर्व ड्रॉ करके देखते हैं। डेल एच मैं रख देता हूं और इधर थोड़ा सा इसको प्लॉट किया जाए कि हाउ द एनर्जी इज गोइंग टू डिफर। ठीक है, सेम कर्व बना हुआ है तो इसको भी यूज किया जा सकता है। समझना इस बात को। तो ये फुली एक्लिप्स पे क्या था? ये जीरो एंगल था, जीरो डिग्री था। ठीक है, जीरो डिग्री था। तो इधर आपका एनर्जी हो गया, इधर मैं बोल देता हूं कि दिस इज आवर डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल। थोड़ा मैं ड्रॉ करता हूं, उतना तो बढ़िया नहीं है कलाकारी मेरी, लेकिन ट्राई करते हैं इसको, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं इसको। तो यहां पे ये सबसे मैक्स लीस्ट स्टेबल जो है आपका फुली एक्लिप्स है, यानी कि इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहां पे इसको देखते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं। मैं पहले पॉइंट मेंशन कर देता हूं ताकि हमारे लिए आसान रहेगा। ये एंगल हो गया 60, ठीक है, फिर इसको आपने 60 से रोटेट कराया, ये हो गया 120, फिर आपने रोटेट कराया तो ये एंगल हो गया कितना, यहीं तक ड्रॉ करते हैं, आगे तो फिर वही चीज को रिपीट करेगा 180, और फिर इसको अगर देखा जाए तो हो गया आपका 240। ठीक है, ये हो गया आपका डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये क्या होगा, देखो सबसे जो हम लोग जीरो पे बोल रहे हैं कि एक्लिप्स सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी, और इस एनर्जी की वैल्यू होती है, अगर मैं कंसीडर करूं ये कुछ वैल्यू, चलो इसी को जीरो पॉइंट ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पॉइंट कोई भी कंसीडर करो, आपको रिलेटिव पॉइंट आना चाहिए। तो ये होता है 19 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी होती है फुली एक्लिप्स में। यानी कि एक बात समझना, एंटी फॉर्म से अगर फुली एक्लिप्स में जाना है तो आपको 19 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, 19, क्योंकि मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है ये एंटी फॉर्म के लिए ड्रॉ किया है, मतलब अज्यूम कर रहा हूं कि वो ग्राउंड लेवल है हमारा। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी तो हम लोग किसी के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं ना रिफरेंस पॉइंट, तो रिफरेंस पॉइंट इज आवर एंटी फॉर्म, जहां पे कि मिनिमम एनर्जी, इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब देखना आप, जैसे कि आप 60 से रोटेट करा रहे हो तो ये फॉर्म कर रहा है गॉज फॉर्म। तो गॉज फॉर्म में क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि देयर इज वंडरवॉल स्ट्रेन। तो यहां से अगर ये यहां पे जाता है, समझना इस बात को, ये यहां से यहां जाता है तो इसमें सम स्ट्रेन होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी 3.8 किलो जूल। ये वंडरवाल स्ट्रेन से ही आया है, ये किसकी वजह से आया, 3.8 किलो जूल, ये वंडरवाल स्ट्रेन से आया। ठीक है, समझना इस बात को आप ध्यान से। अब उसके बाद आपने 60 से रोटेट कराया, 120 पे लाए, तो फिर से वंस अगेन क्या देखने को मिला कि वंस अगेन देयर इज टॉर्सनल स्ट्रेन, बट वंडरवाल स्ट्रेन थोड़ा सा इस केस के लिए गायब था। तो इन दैट केस ये 19 किलो जूल तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ इसकी भी एनर्जी हाई होगी क्योंकि देयर इज टॉर्सनल स्ट्रेन। मैं इस फॉर्म की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात करो, तो इस 19 किलो जूल पे ना जाके ये जाता है अराउंड 12 किलो जूल के आसपास में। ठीक है, थोड़ा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, ये जाता है 12 किलो जूल के आसपास, ये है ना मैक्सिमा, ये पॉइंट है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लिया जाए, ये जाएगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं 120। ठीक है, तो इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ये वाला जो एनर्जी मैक्सिमा है ये आपका है किस एंगल के लिए, 120 के लिए, तो ये है आपका 12 किलो जूल पर मोल। अब ये देख सकते हो इसमें डिफरेंस कितना आया है। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन तो है ही, साथ साथ में जो है टॉर्सनल स्ट्रेन के वंडरवाल स्ट्रेन गायब हो गया, 7 किलो जूल के ऑलमोस्ट गैप आया है। इसके बीच में जो स्टेबल चेंज है एनर्जी का, ये है कितने का, देखो आप इसकी मैं बात कर रहा हूं, सॉरी फुली एक्लिप्स और पार्शियली एक्लिप्स के बीच में ये गैप आया हुआ है। अच्छा, फिर आप 180 पे जा रहे हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका यही फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो टॉर्सनल स्ट्रेन है ना इधर वंडरवाल स्ट्रेन है। तो ये जाके यहां पे मैंने बोला था कि एंटी फॉर्म को ही हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट ले लिया। ठीक है, ये ऐसे कर्व आ जाएगा। अच्छा, इसको आप जो है ड्रॉ करोगे तो फिर यह जाएगा 240 पे,
फिर देयर इज 240 में क्या देखने को मिलेगा, तो देयर इज टॉर्सनल स्ट्रेंथ। तो कौन सा कंडीशन ये जनरेट हुआ है, एक बार देखो आप, यही सेम कहानी है। फिर ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा 12 किलो जूल, ये वाले कर इस वाले पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो आगे का जो भी कर्व होगा ना, आगे जस्ट इसका इधर वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन होगा, नहीं समझे। तो अगर मैं 260 से समझना इस बात को, ये कहां गया, टू ये जो है जो एंगल दिखाया गया है, ये हम लोग बोल रहे हैं फाइव, ये जो वैल्यू है ये कितने एंगल पे है, 240 पे। अच्छा, अब आप जब 300 की बात करोगे, 300 फिर से केस कौन सा आ जाएगा, 300 आपका फिर से गॉस फॉर्म दे देगा। तो वंस अगेन इसमें गॉस फॉर्म में आपका 3.8 का वंडरवाल स्ट्रेन होगा, और फिर से ये जो है आगे बढ़ के जो है अगर 360 से आप कर देते हो तो ये एंगल पे आ जाएगा। तो इसको मैं बता ही देता हूं कि क्या एंगल है, जब इधर ये लिया है तो इसको ये यूज कर लिया जाए। तो ये फाइव इज इक्वल टू, समझना इसको, फाइव इज इक्वल टू 300, और यहाँ पे जो मैक्सिमा अटेंड करेगा यानी कि 19 किलो जूल, फिर वंस अगेन ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा यानी कि 360, ठीक है। ये इसका एनर्जी कर्व है, एनर्जी प्रोफाइल है, किसका, कन्फॉर्मर ऑफ जो है ब्यूटेन। हम लोगों ने C2 C3 के अलॉन्ग किया है, सिंपल सा केस, थोड़ा सा इसको इसके थ्रू समझते हैं पूरे चीज को, क्या हो रहा है, पूरा फिनोमिना समझना इस बात को। देखो ये जब ये है फुली एक्लिप्स, जब जीरो एंगल है तो ये फुली एक्लिप्स है, देयर इज टॉर्सनल स्ट्रेंथ एज वेल एज द वंडरवॉल स्ट्रेंथ। इस वजह से इसकी एनर्जी बहुत हाई है, 19 किलो जूल पर मोल है। किसकी वजह से, कि ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेंथ एंड ड्यू टू दिस वंडरवॉल रिपल्स। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही आप थोड़ा सा 60 एंगल रोटेट कराओ, समझना इस बात को, 60 डिग्री रोटेट कराया आपने इस पॉइंट पे पहुंच, दिस इज आवर पॉइंट, 60 डिग्री रोटेट कराने के बाद क्लियरली मैं बोल सकता हूं कि देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेंथ, बट वन स्ट्रेन इज वर्किंग, दैट इज वंडरवॉल स्ट्रेन इज वर्किंग इन दिस मॉलिक्यूल। अब इस स्ट्रेन की वजह से दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली लेस स्टेबल, 3.2, टॉर्सनल स्ट्रेन गायब हो गया, टॉर्सनल स्ट्रेन गायब हो गया, लेकिन वंडरवॉल स्ट्रेन काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा है, 3.8 है। फिर आपने क्या किया, ठीक है, 60 डिग्री से फर्दर आपने रोटेट कराए, ये गया, अब एक्लिप्स कर रहा है, लेकिन एक्लिप्स करने के साथ इसमें अब वंडरवॉल रिपल्सन नहीं है, वंडरवॉल ये रिपल्सन नहीं है, ये रिपल्सन नहीं है, एक्लिप्स कंफर्म, एक्लिप्स किया जा रहा है, तो टॉर्सनल स्ट्रेंथ प्रेजेंट है। तो फिर से आगा, जैसे जैसे आप रोटेट करा रहे हो, जैसे समझो, जैसे जैसे आप रोटेट करा रहे हो, ये 60 था, आप रोटेट कराए तो एक्लिप्स होते गया, एक्लिप्स होते गया, एक्लिप्स होते गया, जो है एनर्जी इसकी बढ़ती गई। फर्दर आप 60 से रोटेट करा रहे हो, फर्दर आपने 60 से रोटेट कराया, जस्ट आप इसको ऐसे समझो कि आपने 60 से रोटेट कराया, फर्दर ये फिर यहां इस स्टेबल फॉर्म पे चला गया 180। अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, क्यों, क्योंकि देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन, देयर इज नो वंडरवॉल रिपल्स। इस पॉइंट की मैं बात करो, मिनिमा की बात करो, जहां पे कि देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन, देयर इज नो टॉर्सनल स्ट्रेन एंड देयर इज नो वंडरवॉल रिपल्स। देन उसके बाद फिर से रोटेट हुआ, तो ये इस तरीके से रोटेशन फ्रीक्वेंटली होता रहता है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग इजिली रोटेट कर सकता है। फिर से रोटेट होगा तो ये फिर गया, यहाँ पे कन्फॉर्मर गया, कौन सा कन्फॉर्मर है ये बताओ, गया कौन सा कन्फॉर्मर है ये, तो ये पार्सली एक्लिप्स है, CS3 CS3 को ओवरलैप नहीं कर रहा, ये फुली एक्लिप्स है, ये पार्सली एक्लिप्स है। ये हम लोगों ने बोला गॉस फॉर्म होगा, गॉस फॉर्म होगा जब इनके बीच का 60 एंगल होगा, 180 एंगल होगा दो मिथाइल के ग्रुप में, तो ये 180 होगा। स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछ दिया जाता है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म, गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन पार्शियली एक्लिप्स, एंड पार्शियली एक्लिप्स विल बी मोर स्टेबल देन फुली एक्लिप्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं ब्यूटेन के केस, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, पहले पूरा कंप्लीटली नोट डाउन कर लो, घर में प्रैक्टिस करने के लिए आप मुझे भेज भी सकते हो, इस चीज को आप जो है कमेंट के थ्रू बता भी सकते हो। इसमें आप एनालिसिस करना, बस एक बार कर्व ड्रॉ करना आप कि C1 C2 के लॉन्ग, मैं होमवर्क क्या दे रहा हूं कि आप एनालाइज करना है, ठीक है, होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, मैं एक भेज दूंगा इसका स्नैपशॉट जो है किस तरीके से इसका कर्व बन के आएगा। आपको क्या करना है, एनालाइज करना है, आपके लिए होमवर्क क्या है, एनालाइज द कन्फॉर्मर कन्फॉर्मेशनल, एनालाइज द कन्फॉर्मेशनल अलोंग C1 C2 इन ब्यूटेन। आपको जस्ट कर मुझे बता के, कितना एनर्जी होगा उससे मतलब नहीं है,
ये डेटा क्या होगा उससे मतलब नहीं है, बट कितना किस तरीके से कर्व में वेरिएशन होगा एक बार आप जो है जीरो से लेकर 360 के लिए बनाना, ड्रॉ करना और मुझे मैसेज करना। तो जीरो पे किस तरीके से एनर्जी होगी, 60 पे क्या होगा, 120 पे क्या होगा, किस तरीके से वेरिएशन आएगा, ये आप एक बार मुझे बताना। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये जो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो।